मोटापा को कम करने के लिए अनाज को बंद करना पड़ेगा, कुछ दिन अनाज बंद कर दो। मैं लोगों का आधा किलो से लेकर के 2 किलो वजन कम कराता हूँ, कांटा रखता हूँ यहीं पर। मैंने करीब 30 के करीब कांटे मंगा रखे हैं, और वो भी आदमी तोलने वाले नहीं, बोरी तोलने वाले मंगा रखे हैं, क्योंकि आदमियों का वजन तो 60-70 किलो तक होता है, और ये हो जाते हैं 1.5-2 क्विंटल के, तो मशीन ही फेल हो जाती है। अब तो सामान्य मशीन आती है वेट करने वाली, कितने किलो की आती है, 150 किलो की, 200 किलो की, और कुछ तो 200 किलो से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। और सर उसमें वेरिएशन आ जाता है, जो सामान्य मशीन होती है ना उसमें आधा किलो तक वेरिएशन आ जाता है, कभी कभी तो 1-1 किलो का वेरिएशन आ जाता है। ये जो हम हाई क्वालिटी का जो कांटा मंगाते हैं, वेग मशीन मंगाते हैं, इसमें 50 ग्राम तक का पता लग जाता है, और हम आधा किलो से 2 किलो वजन कम करते हैं। ऐसे नहीं मानने लगे लोग योग और आयुर्वेद को, तो कहते रहे इससे प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, चलो एनिमल ट्रायल होगा तब होगा, हो जाएगा, ये भी कर देंगे, अभी शुरू कर दिया है कार्यक्रम। आपको जब अगली बार तक बुलाएंगे, और आपकी जानकारी के लिए, अपनी मुक्तावटी पर तो एनिमल ट्रायल हो चुका है, मधुनाशिनी पर तो एनिमल ट्रायल हो चुका है, और हमने नहीं कराया, कई लोगों ने करवा लिया। लोगों को क्या शंका हुई आपको मैं सच बताता हूं, ये तो काम करीब 20 साल पहले शुरू हो गया था, मुक्तावटी तो हमारी 20 साल पहले बन गई थी, तो 15 साल पहले लोगों ने मुक्तावटी के हजारों बार टेस्ट करा लिए। बोले भाई एलोपैथी के सोल्ट से तो तुरंत फायदा होता है, ये आयुर्वेद के दवाई से तुरंत बीपी कैसे कम हो रहा है, बाबा जी ने जरूर इसने कुछ एलोपैथी का साल्ट मिलाया होगा इसमें, क्योंकि मुक्तावटी इतनी जबरदस्त है, नहीं तो आयुर्वेद में कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत बनाई थी, वो बंद हो ली दुकान सबकी, जो ब्लड प्रेशर के नाम पर आयुर्वेद की कुछ दवाइयां बनाई लोगों ने, ज्यादातर लोगों की दवाइयां बंद हो चुकी हैं, खाली मुक्तावटी है जो चल रही है। मुक्तावटी से क्योर हो जाता बीपी, क्योर। खैर तो अभी आपको मैं बता रहा हूं, किसी भी बीमारी के साथ किसी को भी, आपको जैसे अस्थमा है, आर्थराइटिस है, मोटापा है, कोई भी बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और उसके साथ ब्लड प्रेशर ज्यादातर लोगों को हो गया, तो उसको मुक्तावटी खाली पेट किसी को भी दे दो, किसी दवाई के साथ कोई रिएक्शन नहीं, और लौकी का जूस साथ में दे दो तो और अच्छा है। किसी को आर्थराइटिस आदि हो तो उसको बोलो भाई लौकी का सूप पी लो। खैर अब मोटापा के लिए अनाज बंद कर दो, सुबह शाम दोपहर अश्वगंधा के 3-3 पत्ते खिलाओ उसको, मेदोहर वटी दे दो, मेदोहर वटी, और पेट साफ होना बहुत जरूरी है, तो पेट साफ होने के लिए 2 चीजें, एक तो गौमूत्र कार्क, गौमूत्र कार्क मात्र पीने से ही, अब मैं बता आपको अलग अलग उपाय बता रहा हूं, गौमूत्र का अर्क ये पेट साफ भी करता है और 1 महीने में 3 से 5 किलो कम कर देता है। अब आप कुल कितना वजन कम हो जाएगा आप सोच लीजिए, 3 से 5 3 किलो आप एवरेज मान लीजिए, 3 किलो वेट एवरेज गौमूत्र अर्क पीने से कम हो जाता है। मैं आपको जो है बहुत साइंटिफिक आंकड़ों के साथ चीजें बता रहा हूं, 3 किलो वजन किससे कम हो जाएगा, गौमूत्र से, 3 किलो वजन कम हो जाएगा गर्म पानी पीने से, और करीब 5 किलो वजन कम हो जाएगा अश्वगंधा के पत्ते खाने मात्र से, और करीब आपका 3 से 5 किलो 3-5 kg वेट कम हो जाएगा आपका मेदोहर वटी से, 3 से 5 किलो मेदोहर वटी से। भाई आप एक एक चीज का प्रभाव जानना चाहते हैं ना, भाई गौमूत्र से कितना कम होगा और जो है गर्म पानी से कितना कम होगा, हाँ गौमूत्र और ये गर्म पानी, और सुन लो, 3 किलो वेट गर्म पानी पीने मात्र से, 3 किलो गौमूत्र पीने मात्र से, करीब 5 किलो वजन अश्वगंधा के पत्ते खाने से, 3 से 5 किलो वजन मेदोहर वटी का सेवन करने से, और यदि आप इनमें से कोई चीज का भी प्रयोग नहीं करते खाली योग ही करते हैं तो भी आप करीब महीने में 10 किलो वेट कम कर सकते हैं, और ये सारी चीजों के साथ यदि आप योग करें तो 1 महीने में आप 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं। अब कोई मोटा है कोई मोटी है, उसने ठान लिया कि मुझे मोटापा कम करना है, और मोटापा से बहुत दिक्कतें आती हैं, ज्यादा मोटी हो जाए तो शादी होनी भी नहीं होती, और शादी हो भी जाए भूल चूक से तो बच्चे नहीं पैदा हो सकते मोटे आदमी को। ये मोटापा ओबिसिटी, ये देखो ये ओवम पूरा नहीं बनना, पीरियड पूरा नहीं आना, फिलिपियन ट्यूब बंद होना, हार्मोन इम्बैलेंस होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, ये बच्चे ना होने के पीछे कारण होते हैं, लेकिन ओबिसिटी भी एक बड़ा कारण है जिससे बच्चे नहीं होते, खास करके माताओं की ओबिसिटी उसमें बड़ा कारण होती है। खैर तो
गोमूत्र अच्छा, एक पे त्रिफला, त्रिफला का भी अच्छा प्रयोग है, रात को त्रिफला भिगो दो और सुबह उसको उबाल करके और शहद डाल करके पी लो। त्रिफला में यदि शहद, अब जैसे त्रिफला काढ़ा, त्रिफला क्वाथ हो गया, त्रिफला क्वाथ, अब इसमें त्रिफला क्वाथ में आप डाल सकते हो अदरक का रस और शहद। अब कोई कहेगा बाबा जी एक ही साथ बता दो, तो आप ऐसा करो त्रिफला उबालो, उबाल करके एक गिलास त्रिफला का 100 ग्राम बच जाए तब उसको छान लो, उसी में गोमूत्र मिला लो, उसी में थोड़ा सा अदरक और शहद मिला लो, तो सारे काम आपके एक साथ हो गए। और उसी के साथ अश्वगंधा के पत्ते भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑल इन वन एक साथ प्रयोग कर सकते हो, एक साथ सारे प्रयोग कर सकते हो आप। कौन से? मोटापा कम करने वाले, किसी को जल्दी कम करना है तो है? मेरे तो कई बार ऐसे मन में आया कि मैं इस देश के छठे हुए मोटे आदमी, एक एक डेढ़ डेढ़ दस क्विंटल के, उनको अभी वैसे बुलाने वाला हूं मैं, अभी योगाग्राम का उद्घाटन करेंगे तो इन मोटे लोगों की परेड करवाऊंगा। अभी योगाग्राम में एक एक चरण तो हो चुका, अभी वीआईपी वाला पार्ट शुरू होने वाला, और वीआईपी लोग कौन होते हैं? जितना ज्यादा मोटा उतना ही ज्यादा वीआईपी। वैसे अब खेती का काम करने वाले, मजदूरी का काम करने वाले ज्यादातर, अब शहरों में कुछ लोगों को मोटापा हो जाता है, वो अलग कारण है कि छोटी सी दुकान है, छोटा सा घर है, घूमते हैं नहीं, तो उनको भी हो जाता है, मिडिल क्लास को भी या गरीब लोगों को भी, लेकिन ज्यादातर मोटे कौन है? अमीर। तो मेरा ये विचार है, मैं एक महीने तक मोटे लोगों को योगाग्राम में रखूं और एक कंपटीशन रखूं, तो उसमें मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि 15 किलो से लेकर के 30 किलो तक एक महीने में हम वेट कम कर सकते हैं, 15 से 30 किलो, इससे बढ़िया और क्या फायदा है? अब लगता है आज मैं डेट तय कर ही दूंगा मोटे लोगों के लिए। मोटे लोगों के लिए ये योगाग्राम में मैं लिख लेता हूं, मोटे लोगों के लिए उनको योग भी कराएंगे, उनको शंख प्रक्षालन भी करा देंगे, शंख प्रक्षालन से भी मोटापा कम होता है, एक ही दिन में आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक कम हो जाता है, योग से भी आधा से 2 किलो तक। ये आपने खुद देखा है ना, शिविर जब मेरे चलते रहते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, सब मशीनों पर 2 घंटे के अंदर कम कर देते हैं, योग से मात्र 2 घंटे में। जैसे कि लोग बदनाम करते थे ना योग आयुर्वेद को, इसका तत्काल असर नहीं होता, मैंने कहा तुम्हारे किसका असर होता है? तुम्हारा 4 घंटे असर होता है किसी भी दवाई का, 4 से 6 घंटा, 8 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा ना ब्लड प्रेशर का, ना शुगर का, ना थायराइड का, ना अर्थराइटिस का, ना नींद की दवा का, किसी भी दवाई का असर, दवा का असर कितनी देर? दवा का असर 4 से 8 घंटा, और हमारे आयुर्वेद का असर पूरी जिंदगी भर होता है, योग का असर पूरी जिंदगी भर के लिए होता है। तो मैं आपको मोटापा कम करने वाली चीजें बता रहा था, उनका खान पान, अभी खान पान कंट्रोल से, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। पूरा बंद कर दो वो ठीक नहीं, उससे फिर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन, उनकी कमी पड़ जाती है, आयरन, ऐसे, इसलिए उनको खिलाते रहना चाहिए। लेकिन क्या खिलाओ? मोटापा वालों के लिए सबसे अच्छा है तरबूज, तरबूजा खिलाओ, वाटरमेलन खिलाओ, जितना खा सकते हो उतना खिलाओ, चाहे 5 किलो खा ले, कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? वजन नहीं बढ़ेगा, पेट पूरा भर जाएगा। नहीं तो इन मोटापा वालों का, इनको भूख भी बहुत लगती है, मैंने ऐसे सुना है, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं, मैं मोटा हूं नहीं, मोटे लोगों को भूख बहुत लगती है, तो उनको पेट भरो, किससे भरो? पानी से। किससे भरो? वाटरमेलन से। कुछ लोग ना कहते हैं नींबू पानी से, नींबू पानी से मैंने देखा जो असर है वो मुश्किल से 5-10% लोगों पर असर होता है, नींबू पानी से बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, जो सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं ना लोग, तो इसमें जो है ये आपको नींबू पानी से अच्छा है त्रिफला पानी, इसलिए मैंने मेदो हरबटी बता दी आपको, और साथ में जोड़ों में दर्द भी ज्यादा हो तो इसको मेदो हरबटी और त्रिफला गूगल दे दो,
मेदोहर वटी और त्रिफला गुग्गल, त्रिफला गुग्गुलू, गुग्गुलू लिखते हैं हम लोग संस्कृत में, गुग्गुलू ही बोलते हैं। यदि अर्थराइटिस है तो जोड़ों में दर्द, वैसे मोटापा के बड़े कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? मोटापा का बड़ा कॉम्प्लिकेशन है घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, नींद कम आना, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है, ये बहुत प्रॉब्लम है मोटापा। तो ब्लड मोटापा और मोटापा के सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम दूर करते हैं। देखो मैं कह रहा था ना आयुर्वेद में हमने क्या नया किया, हमने डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ ठीक किया है। हाँ ये भी एक बड़ी फिलॉसफी है। तो ये आपको मोटापा के लिए बता दिया। मोटापा में अनाज बिल्कुल बंद कर देते हैं, अर्थात गेहूं और चावल, फिर खाना भी हो तो बेसन की रोटी खिलाओ उसको। बेसन की रोटी मोटापा के लिए और अर्थराइटिस वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। जरा और सुनो, हमने एक दलिया बनाया है गेहूं बाजरा मूंग चावल। मैं आपको दलिये की और ये अश्वगंधा की कहानी सुनाता हूं। आज से 20 साल पहले मैं अहमदाबाद गया, 20-22 साल पहले की बात है, 22 साल पहले 1993 की बात है। भाई पता लगा एक आदमी मोटापा कम करने के लिए दलिया देता है और बताता है नहीं तो हमने फिर जो है मैंने कहा भाई ढूंढो, अब वो बता के ना दे, क्योंकि वो दलिया बहुत महंगा बेचते, 200 रुपए किलो बेचे, अब फार्मूलेशन बताए नहीं। तो हमने अनाज भी ढूंढ लिए उसमें टुकड़े टुकड़े, तो पता लग गया इसमें 5-6 अनाज तो हैं, लेकिन कौन सा अनाज कितनी मात्रा में है ये फिर भी ना पता लगे। तो फिर हमने पूरी उसके पीछे जासूसी लगाई और जिस चक्की में पिसवाता था वहां तक पहुंच गए। तो फिर जो है पता लग गया कि ये इसमें 4 अनाज हैं और 2 इसके अंदर ऊपर से चीजें डाली जाती हैं, गेहूं बाजरा मूंग चावल बराबर मात्रा में 500-500 ग्राम, 20 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम तिल। तो ये 6 चीजें हो गई, कोई भी बना सकता है। हमने कहा सब बनाओ, कोई भी बनाओ, क्या दिक्कत है, और हम भी बना करके देते हैं, इसमें क्या है, अच्छी चीजें सबको बतानी चाहिए, ये तो लुका छिपी वाला खेल है ना, बंद होना चाहिए। तो 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम बाजरा, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तिल, ये दलिया, 50 ग्राम दलिया 500-700 ग्राम पानी में धीरे धीरे पकाओ, इसमें पकाते इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, हरी सब्जियां, गाजर मटर टमाटर कुछ भी डाल सकते हैं। और ये दलिया खाने से, ये दलिया ही खाओ और कुछ नहीं, दलिया खाओ और लौकी का जूस पियो और प्राणायाम करो, और साथ में यदि अश्वगंधा के पत्ते और ये गोमूत्र आदि सब प्रयोग कर लें, तो हमने 15-17 किलो तक वजन तो अभी तक कम किया है। और अभी मुझे लगता है योग ग्राम में हम रख दें उनको कंट्रोल एनवायरमेंट में, तो हम उनका 15-30 किलो तक वेट कम कर देंगे, और ये दुनिया के इतिहास की भी बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, 1 महीने में 15-30 किलो वजन कम करना। उनकी सबकी फोटोग्राफी भी करवा के रखूंगा, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, और सारे देश को दिखाऊंगा। ठीक रहेगा ना ये कार्यक्रम, बहुत बढ़िया। लोगों को इतनी जल्दी जब कोई चीज कम हो जाती है ना, लोग कहते थे योग से जल्दी फायदा नहीं होता, आयुर्वेद से। हमने तुरंत ब्लड प्रेशर कम किया, तुरंत शुगर, तुरंत मोटापा, तुरंत अर्थराइटिस, तुरंत अस्थमा। अस्थमा वालों का लगभग पहले दिन से इनहेलर बंद हो जाता है। तो ये हमने, ये जो आरोप मढ़ा जाता था, एक तरह से एक लानत लगाई जाती थी, हम कहते हैं तुरंत लाभ, तुरंत लाभ दिया हमने। और असाध्य शब्द हमने हटा दिया, और जो लोग बहकाते थे कि इससे तो किडनी खराब हो जाएगी, मैंने पूरे देश में चैलेंज करके बोला, आज भी देश में लाखों लोगों की किडनी एलोपैथी की दवाइयों से खराब हुई है। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, एक व्यक्ति मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिला जिसकी आयुर्वेद की दवाइयां लेने से किडनी खराब हुई हो, एक आदमी नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं,
एलोपैथी की दवा ले लेकर के लाखों लोगों की किडनी खराब हो गई है। लोग कहते थे ना आयुर्वेद की भस्में खाओगे तो किडनी खराब हो जाएंगी, ऐसे आरोप लगाते थे किडनी खराब हो जाएंगी, तुरंत लाभ नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या। खैर अब अगली बात बताते हैं, गांठ। गांठ सबसे ज्यादा तो अच्छी होती है कपालभाति का प्रयोग करने से। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर, यूट्रस, ओवरी, हाथ पैर कहीं पर भी बॉडी में गांठ है, आप कहेंगे इससे कैसे ठीक होती है? कपालभाति करने से एक अनविजिबल एनर्जी, आंखों से दिखती तो नहीं है एनर्जी, एक अदृश्य शक्ति अंदर से पैदा होती है, डिवाइन एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, प्राणिक ऊर्जा, और वो जो है वो जो फैट सेल्स जमा हो गए जहां पर भी उनको डिजोल्व कर देती। तो कहीं पर भी हाथों में पैरों में किसी को भी गांठ हो जाते हैं, मैंने देखा है, लाइपोमा उसको बोलते हैं। तीन तरह की गांठ होती है, एक लाइपोमा, एक बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिना कैंसर वाली, कैंसर वाली गांठ, एक ऐसी सामान्य गांठ, एक ऐसी टीबी वाली भी गांठ हो जाती है। कैसी भी गांठ हो, कपाल भाती प्राणायाम आधा से एक घंटा करने से कैसी भी गांठ हो ठीक हो जाती है। फिर सामान्य रूप से हल्दी 2 ग्राम खाली पेट लेने से कोई भी गांठ में फायदा होता है, हल्दी खाली पेट 2 ग्राम, ये घरेलू उपचार है। फिर आयुर्वेद में काचनार, गुग्गुल और विद्यवादिका वटी ये गांठ को ठीक करने में पूरी मदद करते हैं। काचनार, गुग्गुल, विद्यवादिका वटी ये गांठ को ठीक करते हैं। और खास बात, रस रसायनों में सबसे अच्छा होता है शिला सिंदूर। शिला सिंदूर 4 ग्राम तक एक रोगी को दिया जा सकता है, किसी छोटे बच्चे को हो तो 1 से 2 ग्राम ही देना पड़ेगा, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनको 4 ग्राम तक क्या दे सकते हैं बोलो, शिला सिंदूर। शिला सिंदूर तीव्र होता है तो उसकी तीव्रता कम करने के लिए फिर क्या देंगे, प्रवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, कामदुधा या गिलोय सब, तो ये उसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए। तो आपको ये फार्मुलेशन ऐसे नहीं कि जैसे लिखा वैसे, शिला सिंदूर मेद का क्षरण करता है, उसकी फैट सेल्स को तोड़ देता है, उसको डिजोल्व कर देता है, ये शिला सिंदूर का काम है। उस शिला सिंदूर की तीक्ष्णता को कम करने के लिए जो है ये मुक्ता पिष्टि है, प्रवाल पिष्टि है, गिलोय सतह है या कामदुधा है, कामदुधा भी दे सकते हैं सीधा ही। ताम्र भस्म भी 1 ग्राम तक प्रयोग की जा सकती है। तो ताम्र भस्म भी किसी भी तरह की गांठ, चाहे यूट्रस में गांठ हो, हाथों में गांठ हो, पैरों में गांठ हो, टीबी की गांठ हो, कैंसर की गांठ हो, अब यही कैंसर का इलाज है। शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, फिर उसमें संजीवनी टीका भी प्रयोग करते हैं, वृद्धिवाद का काचनार, गुगुल। अब इसमें उसमें क्या अंतर होगा, फिर उसमें मात्र 2 चीजें और बढ़ जाएंगी, एक तो संजीवनी वटी बढ़ जाएगी और एक जो है उसके अंदर हीरक भस्म बढ़ जाएगी। हीरक भस्म 300 से 600 मिलीग्राम, 1/4 ग्राम से लेकर के 300, हम 100 मिलीग्राम के उसके पैकेट बनाते हैं, तो 300 से 600 मिलीग्राम क्या हीरक भस्म, और उसकी और ज्यादा स्वर्ण भस्म का ये काम है किसी भी औषधि के गुण बढ़ा देता है, किसी भी औषधि में डाल दो तो स्वर्ण वसंत मालती रस भी डाल देते हैं हम। स्वर्ण वसंत मालती का हमने कैंसर में विशेष उपयोग देखा है, इसलिए कैंसर में हम स्वर्ण वसंत मालती का प्रयोग करते हैं 3 से 5 ग्राम। तो गांठ का भी इलाज हो गया और कैंसर का भी इलाज हो गया। ऐसे ही अब कपाल भाती उसमें आधा घंटा जरूर कराना, यूट्रस के अंदर गांठ हो, ओवरी में हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, गांठें छोटी छोटी हो जाती है ना, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं, पीसीओडी बोलते हैं, पीसीओडी 100% अच्छी हो जाती है। बाकी फिर इनफर्टिलिटी होती है तो उसमें इलाज लिखा हुआ है, पढ़ लेना, शिवलिंगी, पुत्र जीवक दोनों का पाउडर करके 2-2 ग्राम सुबह शाम दे देते हैं, फलघृत 1-1 चम्मच दे देते हैं और स्त्री रसायन का प्रयोग करवा देते हैं। माताओं बहनों के लिए शतावर चूर्ण, शतावर चूर्ण इन्फर्टिलिटी से लेकर के माताओं बहनों की सभी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता को भी दूर करता है। ब्रेस्ट की कमी है, शरीर में फैट की कमी है, और किसी में भी किसी भी प्रकार के फैट की कमी है उसको, और माताओं बहनों को खास करके ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता है, तो उससे माताएं बहनों में एक आत्मग्लानी सी होती है, क्योंकि शरीर सौष्ठव की दृष्टि से ब्रेस्ट पूरी विकसित ना हो तो एक बेटियों में एक अलग प्रकार का एक भाव पैदा हो जाता है। तो शतावर चूर्ण
ये ब्रेस्ट का विकास करने के लिए, और माताओं बहनों के स्तनों में दूध ना आए तो शतावर और जीरा दोनों का पाउडर खिला दें, तो कितना ही जैसे दूध सूख ही जाता ना, एक तरह से सूखा हुआ दूध भी एक तरह से वापस शुरू हो जाता है। शतावर 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, जीरे को हल्का सा भून लेते हैं, हल्का सा सेक लेते हैं कढ़ाई में डाल के, तो हल्का सा सेक करके जीरा ऐसे ही कच्चा भी खिला दो, तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्टी क्या टेस्ट करने की जरूरत थोड़ी है। तो जीरा और सतावर दोनों का पाउडर करके एक एक चम्मच खिला देने से जिनका स्तनों में दूध पूरा सूख चुका था उनको भी हमने ठीक किया। ये तो जो है अनुभव के आधार पर आयुर्वेद की सारी औषधि है ना, तो ये कोई हम किताबों से पढ़ करके नहीं बता रहे, किताबों में तो बहुत सी बातें लिखी हुई, उनमें से जो हमने अनुभव किया वो बता रहे हैं आपको। अब पुरुषों को किसी भी प्रकार की कमजोरी है, यौन दुर्बलता है, तो अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, ये सारे पाउडर सभी आपको दिव्य फार्मेसर पतंजलि से मिलने लग गए हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, आपको चारों चीजें पुरुषों के लिए। और किसी को शारीरिक दुर्बलता हो तो भी अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली इतना ही दे दे। कौंच के बीज यौन दुर्बलता के लिए विशेष रूप से प्रयोग होते हैं, यौन दुर्बलता के लिए। वैसे तो एक एक औषधि अपने आप में बहुत चमत्कारी होती है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, ये चारों चीजों को ताकत के नाम के दवाइयों के नाम पर कितना लूटा जाता। मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा लूट मची हुई, एक तो इनफर्टिलिटी के नाम पर, और सेक्सोलॉजिस्ट ये बहुत ज्यादा लूटते हैं, बहुत ज्यादा लूटते हैं। तो ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज 100 ग्राम ले लिया, 2 से 3 ग्राम दूध के साथ ले लिया जितना डाइजेस्ट हो जाए। फिर बहुत ही ज्यादा यौन दुर्बलता है, माने स्पर्म काउंट भी कम है, किसी किसी को तो नील से भी अच्छे हो गए, यह अद्भुत बात है, तो यौवनामृत, इससे स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मुलेशन ये हमने हमारे गुरुजी को भी जिन्होंने योग आयुर्वेद सिखाया था उनसे, और तब से हम इसका हम 20-22 सालों से तो हम प्रयोग करते आए, इसे शायद 50 सालों से हमारे गुरुजी के गुरुजी, हमने उनसे पूछा था वो प्रयोग करता है, उनसे फिर पता नहीं कि उन्होंने किनसे सीखा होगा। तो ये जो फार्मुलेशन है इसका बड़ा जबरदस्त है, यौवनामृत का, यौवनामृत 2-2 गोली, चंद्रप्रहट 1-1 गोली, अश्वगंधा या अश्वशिला कैप्सूल या शिलाजीत रसायन कोई भी एक दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वशिला कैप्सूल या शिलाजीत रसायन, तीन में से एक। तो यौनामृत, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत रसायन, ये हम लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं 20-22 सालों से, तो हम खुद प्रयोग करते आ रहे हैं रोगियों के ऊपर, और इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि किसी के मोटिलिटी कम होती है और स्पर्म काउंट 2-3 तक आ गए, 50-60 के करीब होने चाहिए स्पर्म काउंट, मोटिलिटी होनी चाहिए उसमें, जीवित होने चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए उनमें, है ना। तो ये एकदम 100% इलाज है, नो डाउट, किसी तरह का डाउट नहीं, जिसको भी आप देंगे। और इससे हमने हजारों हजारों लोगों पर प्रयोग किया, और किसी किसी में बहुत ही ज्यादा, अब आजकल तो इतनी ज्यादा विलासिता, इतनी ज्यादा कामुकता, और इतने ज्यादा लोगों में मतलब पागलपन है भोगों के प्रति, तो शरीर बहुत ही बेकार हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हम उसका प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि बिना प्रचार किए ही वो हम उसको उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। तो एक हमने यौवन गोल्ड कैप्सूल बनाया है, जिनको बहुत ही ज़्यादा यौन दुर्बलता है, माने जिसको कहते हैं ना कि वो तो गृहस्थ के काम के ही नहीं रहे, बस इतना ही कहना काफ़ी है। तो ऐसे भी लोगों के लिए यौवन गोल्ड कैप्सूल हमने बनाया। तो ये जो है हम इसका प्रचार इसलिए नहीं करते कि ऐसी चीज़ों का प्रचार करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन जिनके गृहस्थी ही जिनकी खराब हो गई हो उनके लिए अच्छा है यौवन गोल्ड, पुरुषों के लिए, है ना। लेडीज के लिए जो है उनको तो कोई ऐसी उस जिनको सतावर और जो है शिवलिंगी पुत्र जीवक फल घृत से, और जिनको किसी भी तरह के मासिक धर्म की अनियमितताएं होती हैं, वो दशमूल क्वाथ से दूर हो जाती है। मैंने ऐसा देखा है कि दशमूल क्वाथ सबसे अच्छा होता है, और दशमूलारिष्ट उससे थोड़ा कम लाभ करता है। अब कोई आलसी होते हैं पकाने पकाने में दिक्कत करते हैं तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इसमें कई चीज़ें और हैं कि जैसे किसी किसी को जो है
ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर इसमें 10 मूल में ही थोड़ा गाजर के बीज डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं, उनको काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है काला तिल का चूर्ण, गाजर का बीज और सौंठ का चूर्ण और जो है अजवाइन चूर्ण। तो ये सौंठ सौंफ, किसी को एसिडिटी साथ में होती है तो सौंठ के साथ सौंफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीजें ना, ये जिनको ट्यूब बंद होती हैं, अब ब्लॉक ट्यूब क्या खुल जाती हैं? हाँ, कपाल भाती करना पड़ेगा। दोनों की दोनों ट्यूब बंद थी, उनको हमने खोला प्राणायाम करवा करके। ये इतना जबरदस्त है, साथ में ये औषधि दे दो, स्त्री रसायन और रजा प्रवर्तनी वटी। जब पीरियड कम होते हैं तो रजा प्रवर्तनी वटी दी जाती है, और वैसे पीरियड इरेगुलर होते हैं तो स्त्री रसायन। स्त्री रसायन सामान्यतः पीरियड इरेगुलर रहते हैं तब, और रजा प्रवर्तनी वटी तभी दे जब पीरियड कम होते हैं तभी, या फिलिपियन ट्यूब बंद होती है तभी। दशमूल क्वाथ सभी प्रकार की अनियमितताओं में दिया जा सकता है। वैसे दशमूल क्वाथ तो वात रोगों में भी देते हैं, और खास करके महिलाओं को वात रोग होते हैं उसमें भी देते हैं, और पुरुषों को भी दिया जाता है जब विशेष परिस्थितियों में। दशमूल तो कई तरह से प्रयोग होता है, वैसे वो शोधक होता है तो गर्भाशय का शोधन कर देता है एक तरह से। आपको ये बोध होना चाहिए कि वो क्यों दिया जा रहा है, ये इसलिए मैंने बात कही। बाकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज कपाल भाती से अच्छी हो जाती है, और खाली उसको स्त्री रसायन दे दें और कुछ देने की जरूरत नहीं। शतावर चूर्ण तो मैंने बता ही दिया, वैसे लेडीज में भी किसी किसी के अंदर बहुत ज्यादा शारीरिक दुर्बलता होती है तो उसमें शतावर चूर्ण सबसे अच्छा है लेडीज को। मतलब शरीर बहुत टूटता है और जो है उसमें भी